वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करते हैं पेपर सेकंड में यूनिट टू के बारे में। ये आज लास्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो देखिएगा इसे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जो हमने अधिगम कर लिया है, जो चीज़ हमने सीख ली है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण का कैसे कर पा रहे हैं, या अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसे कैसे को रिलेट कर पा रहे हैं। When we talk about the transfer of learning, we are interested in the extent to which learning is transferred from one context to another. इसका मतलब है कि इसमें जो है लर्निंग का स्थानांतरण होता है किसी एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। The term training and learning are often used synonymously, but they can also be taken to mean different things. मतलब जो ट्रेनिंग और लर्निंग का वर्ड्स हैं, इनको यूज़ हम जो है सिमिलर तौर पे करते हैं, लेकिन इनका जो है मीनिंग डिफर होता है। ट्रेनिंग एलिसिट थॉट्स ऑफ वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर स्किल। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि थॉट ऑफ वर्किंग, जो हम सोचते हैं वह कैसे वर्क करता है पर्टिकुलर स्किल्स पर। और लर्निंग का मतलब होता है सीम्स टू बी मच ब्रॉडर टर्म। लर्निंग जो है एक ब्रॉडर टर्म होती है, इनकम्पासिंग नॉट ओनली स्पेसिफिक स्किल्स। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक स्किल की बात नहीं होती है, बल्कि इसमें सोशो कल्चर अप्रोच होती है, कॉग्निटिव अप्रोच होती है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज और ट्रांसफ़र रिफर टू लर्निंग इज़ वन कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाइंग इट इन द अनदर। जो हम सीखते हैं उसे, उस सीखी हुई चीज़ को दूसरी जगह पे अप्लाई करना, उसे ही हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। दैट इज़ द कैपेसिटी टू अप्लाई अक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल इन टू आर न्यू सिचुएशन। जो हमने सीख लिया है उस चीज़ को नई सिचुएशन में अप्लाई करना, या उसमें कैसे हम प्रयोग कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ये देखते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। द वर्ड ट्रांसफ़र इज़ यूज टू डिफर द इफ़ेक्ट ऑफ द पास्ट लर्निंग अपॉन प्रेजेंट एक्विजिशन इन द लैबोरेटरी एंड इन आउटसाइड वर्ल्ड। हाउ वेल एंड हाउ रैपिडली वी लर्न एनीथिंग डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट अपॉन दैट काइंड एंड अमाउंट ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न प्रीवियसली। इन अ सिंपल वे, अगर हम सिंपल वे की बात करते हैं, तो लर्निंग जो है वो पार्शल हो या टोटल अप्लीकेशन होता है। जो हमने पहले से चीज़ें सीख ली हैं, जो ज्ञान अर्जित कर लिया है, उस स्किल को या उस हैबिट को, उस एटीट्यूड को एक फॉर्म से दूसरी सिचुएशन में लगाना, उसे चाहे हम पार्शली लगाएं या टोटल एप्लीकेशन करें उसका, यही हमारा लर्निंग का स्थानांतरण होता है। इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं बाल्डविन एंड फोर्ड के अनुसार और साइमंस के अनुसार। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रायर नॉलेज टू लर्निंग, मतलब कि प्रायर नॉलेज से लर्निंग होना, फ्रॉम लर्निंग टू न्यू लर्निंग, लर्निंग से ही नई लर्निंग होना, एंड फ्रॉम लर्निंग टू एप्लीकेशन, जो हमने सीख लिया है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये साइमंस के डेफिनेशन में तीन जो है कॉन्सेप्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं, काइंड्स इंक्लूड किए गए हैं। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र कई तरीके का होता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जब हम एक सीखी हुई चीज़ को दूसरी जगह पे अप्लाई कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग अलजैब्रा फैसिलिटेट लर्निंग स्टैटिक्स। जो हमने अलजैब्रा के बारे में पहले ज्ञान लिया होता है, वह हमें हेल्प करता है स्टैटिक्स को सॉल्व करने के लिए। देन है निगेटिव ट्रांसफ़र। तो जब पहली जो है लर्निंग की हुई हमें नई सिचुएशन में बाधा उत्पन्न करती है, तो उसे हम निगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। अ पर्सन फ्रॉम होम स्कूलिंग वॉज एन अनप्लीजेंट। एक बच्चा जिसकी जो है स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है या सुखदाई नहीं है, तो उससे एक्सपीरियंस में अवॉइड क्लासरूम सिचुएशंस।
तो उसे जो है बाधा होती है। देन न्यूट्रल ट्रांसफ़र है, इसमें एक जो है सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे हम जीरो ट्रांसफ़र भी कहते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का ज्ञान हमारे स्कूटर चलाने पे कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। देन है लेटरल ट्रांसफ़र, इट हैपन्स व्हेन लर्निंग इज वन कॉन्टेक्स्ट इज एम्प्लॉयड एट द सेम लेवल इन आर न्यू कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो है एक सीखी हुई चीज़ का की जो है ज्ञान दूसरी चीज़ पे हम सेम लेवल पे अप्लाई करते हैं, वह करेंगे उसी लेवल पे, लेकिन एक से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, इसलिए इसे लेटरल ट्रांसफ़र कहा जाता है। जैसे कि सोशल स्टडी में जो है हम मैथ्स के जब एवरेजेस निकालते हैं तो वो जो है लेटरल ट्रांसफ़र का एग्जांपल हो जाता है। इसके बाद है वर्टिकल ट्रांसफ़र, इट इज़ सेड टू टेक प्लेस व्हेन लर्निंग एट वन लेवल फैसिलिटेट्स लर्निंग एट अ हायर लेवल। वर्टिकल ट्रांसफ़र वह होता है जब हम एक लोअर लेवल की लर्निंग हमें फैसिलिटेट करती है हायर लेवल लर्निंग के लिए, तो इसे हम वर्टिकल ट्रांसफ़र कहते हैं। देन लो रोड ट्रांसफ़र है, तो लो रोड ट्रांसफ़र सपोजली हैपन स्पॉन्टेनियसली एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर अ टास्क हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड extensively in a different environments familiar to the expected transfer context. It can be also provoked and encouraged through reflection and self-monitoring exercises. low road transfer वह होता है जिसमें जो है reflection होता है, self-monitoring exercises पे बल दिया जाता है। High road transfer is most likely to happen when student consciously and deliberately abstract ideas. इसमें जो है बच्चे abstract ideas ले पाते हैं, principles के बारे में सोच पाते हैं, mainly ये उनके mental level से deal करता है। इसके बाद फिर आता है bilateral transfer, जिसमें जो है eye and hand का coordination किया जाता है learning में। फिर बात करते हैं थ्योरीज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। थ्योरीज़ इसकी पूछी जाती हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की जो है कई तरह की थ्योरीज़ हैं, इसमें मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, जैसे कि अपरसेप्शन थ्योरी, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, जर्नलाइजेशन थ्योरी एंड गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र। इसमें जैसे एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ द मेंटल डिसिप्लिन और फैकल्टी थ्योरी। द थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन टेल्स दैट एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग इन द माइंड। तो जो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन है वह यह बताता है कि एजुकेशन जो है वो एक मेंटल ट्रेनिंग है, माइंड की ट्रेनिंग है। दीज ट्रेनिंग्स एंड डिसिप्लिन्स आर वाइगोरस मेंटल एक्सरसाइज इन द फील्ड ऑफ क्लासिक्स, इन द फील्ड ऑफ लॉजिक, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। द थ्योरी अज्यूम्स दैट दोज ट्रेनिंग कैन मेक एन इंडिविजुअल इफेक्टिव इन ऑल एरियाज वेयर अ गिवन फैकल्टी इज एम्प्लॉयड। तो यह मेनली मेंटल लेवल से डील करती है। इसके बाद है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ये E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट को। अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र अकर्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इन विच देयर आर मोस्ट सिमिलर एंड और आइडेंटिकल एलिमेंट। इन्होंने बताया कि लर्निंग का ट्रांसफ़र तब होता है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब उसमें कोई सिमिलैरिटी पाई जाए, कोई सिमिलर एलिमेंट पाया जाए, कोई आइडेंटिकल एलिमेंट पाया जाए। द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट स्टेट्स दैट द ट्रांसफ़र of learning is facilitated in the second situation into the extent that it contains identical element and factors which occurred in the learning situation earlier. तो जब एक situation से दूसरी situation में कुछ identical elements मिलते हैं तो उसमें transfer जल्दी से होता है, effectively होता है। These identical elements may be in the form of
प्रोसीजर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, ये जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स, या तो सेम प्रोसेस होता है, या सेम कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है, या सेम एक्शंस लिए जाते हैं, या सेम फैक्ट होता है, या एटीट्यूड सेम होता है, या प्रिंसिपल सेम होंगे, या टेक्निक सेम होंगी, कोई भी चीज़ जो सिमिलर आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे, तो इस बेसिस पे जो लर्निंग होगी या ट्रांसफ़र होगा, इसे हम थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट कहते हैं। इसे E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। इसे जो है अनदर नेम से भी जानते हैं, मोर द सिमिलैरिटी मोर द ट्रांसफ़र, मतलब जितना ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र इफ़ेक्टिवली होगा। ट्रांसफ़र इज़ वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट इन बोथ वेरिएबल्स। थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, इसे जो है चार्ल्स जग ने दिया था। द थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन अज्यूम्स दैट व्हाट इज लर्न इन टास्क ए ट्रांसफर टू टास्क बी, बिकॉज ऑफ स्टडींग ए द ट्रांसफर डेवलप्स अ जर्नल प्रिंसिपल विच अप्लाइज इन द पार्ट और कम्प्लीटली इन द बोथ ए एंड बी। जब हम एक टास्क के बारे में सीख लेते हैं, जैसे ट्रांसफर ए के बारे में हमने सीखा, टास्क के बारे में सीखा, वही हमें हम अप्लाई कर पा रहे हैं बी के बारे में, तो यहाँ पे जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है, जर्नलाइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वह बोथ पे ही अप्लाई होगा, ए और बी दोनों टास्क के लिए। तो ये जो है थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा हो चुका होता है, इस पर हमारी हैबिट्स हो चुकी होती है, हमें उस बारे में ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है, ताकि हम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे उसे जर्नलाइज कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ। इसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन इंश्योरिंग पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में टीचर का क्या रोल होता है, तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीचर जो है इंक्रेज करता है इंट्रेंसिक मोटिवेशन को, आंतरिक अनुप्रेरणा देता है बच्चों को, देन प्रमोट फॉर डेप्थ स्टडी के लिए प्रमोट करता है टीचर, प्रोवाइड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एक्सप्लेनेशन। टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है कि वह पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिफ्लेक्शन हो उनका और सेल्फ एक्सप्लेनेशन हो। इन्हांस सोशल लर्निंग एट वर्क, सोशल लर्निंग को इन्हांस करते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टू टीचिंग एंड लर्निंग, क्या इम्प्लीकेशन है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का टीचिंग और लर्निंग में। तो डेप्थ ऑफ टीचिंग वर्सेज स्कोप, द कॉमन अप्रोच टू टीचिंग इज एन अटेम्प्ट टू कवर एन एज मैनी टॉपिक्स इन द सिलेबस एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम वाइल इसका सेक्रीफाइजिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड डेप्थ ऑफ द नॉलेज इन द प्रोसेस। इसमें जो है डेप्थ नॉलेज दी जाती है टीचिंग की बच्चों को। देन है प्लानिंग एंड असेसमेंट, तो प्लानिंग किया जाता है, फिर उन्हें असेसमेंट किया जाता है, असेस किया जाता है। टीचिंग ऑफ फॉर ट्रांसफ़र विल ऑल्सो बी इम्प्लीकेशन फॉर द यूनिट प्लानिंग एंड असेसमेंट। टीचर्स वुड नीड टू पे मोर अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। टीचर्स को चाहिए कि वह पूरी तरह से अटेंशन पे करें जो है कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए, एंड टू फोकस मेनली ऑन द मोर सिग्निफिकेंट एंड पर्टिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस। इसके बाद है क्रिएटिंग अ स्पिरिट एंड कल्चर ऑफ द ट्रांसफ़र। फेल्ड ट्रांसफ़र यूजुअली हैपन व्हेन द स्टूडेंट आर अनेबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन व्हाट वाज लर्न्ड प्रीवियसली एंड द टास्क एट हैंड। मतलब बच्चे रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि क्या उन्होंने पहले से सीखा है और क्या वो सीखने जा रहे हैं, तो इसमें जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो इसको जो है क्लियर करना चाहिए टीचर को। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस, स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहिए कि वह जो है प्रीवियस नॉलेज जो उनकी है और जो वो टास्क लर्न करने जा रहे हैं उसके बीच में कनेक्शन बिठा पाएँ, उसके बीच में एक संबंध बिठा पाएँ। एम्फेसाइजेस डिफरेंसेस बिटवीन आइडियाज़, टीचर्स को चाहिए कि उन्हें
हर एक आइडिया के बारे में डिफरेंस बता पाएँ स्टूडेंट्स को, जैसे टू और टू में अंतर बता पाएँ, ओ और ओ में अंतर बता पाएँ, तो ये सारे डिफरेंसेस बताने चाहिए टीचर को। द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टीचर को ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए टीचिंग के लिए कि बच्चे तक वो नॉलेज इफ़ेक्टिवली पहुँच जाए, एफिशिएंटली पहुँच जाए। हगिंग एंड बिजिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए परकिंस एंड सालोमन सजेस्ट द टेक्निक ऑफ हगिंग एंड बिजिंग। द मैथड ऑफ हगिंग इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग एंड प्रजेंटिंग अ लेसन इन अ वे दैट इज सिमिलर टू द इंटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ द लर्निंग। मतलब इसके बीच में कनेक्शंस बिठा पाना, सिमिलर एलिमेंट्स बता पाना बच्चों को। देन ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रमोट्स हाई रोड ट्रांसफ़र एंड इनकरेजेस स्टूडेंट टू थिंक डाइवर्जेंटली। स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि वह कई दिशाओं में सोच पाएँ, उस चीज़ के लिए कनेक्शन बिठा पाएँ और अवेयर हो पाएँ थॉट्स से। स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस है इसके बाद, जिसे लव वैगोस्की ने दिया है। स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस इन्होंने ZPD बताया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। तो बच्चा जितना जानता है और जितना वो पाना चाहता है, उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके लिए टीचर जो है स्कैफोल्डिंग का काम करता है, एक बैसाखी का काम करता है कि बच्चे की जितनी नॉलेज है और जितना वो पाना चाहता है वहाँ तक उसे पहुँचाए। देन है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स को ट्रांसफ़र करना चाहिए, राइट वे में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये था पूरा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में। थैंक यू एवरीवन, ये लास्ट टॉपिक था पेपर सेकेंड में, यूनिट टू के लिए। आज से हमारी यूनिट टू फिनिश हो रही है, इसके बाद बात करेंगे यूनिट थर्ड की पेपर सेकेंड में।